तो गई सर इस साल 50, उसके अगले साल 60, उसके बाद 80, और एक ऐसा टाइम आएगा जब हमारी धरती पर तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और सोचिए 100 डिग्री सेल्सियस में इस धरती पर रहना कितना ज़्यादा मुश्किल होगा। मानता हूँ विकास करने की वजह से हो कह रहे हैं कि टाइम के साथ धीमे धीमे जैसे टाइम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हर साल 2 डिग्री के आसपास टेम्परेचर बढ़ते चला जा रहा है। और टेम्परेचर बढ़ने का सबसे ज़्यादा नुकसान ये है कि हमारे लिए इस धरती पर जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाने वाला है। तो हम सोच रहे हैं कि आखिर इस टेम्परेचर को विकास के साथ कैसे कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, क्योंकि जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ते चला जा रहा है। विकास को तो हम रोक नहीं सकते, पर हमारे हाथ में एक चीज़ जो हम कर सकते हैं कि तापमान को कम करने के लिए पेड़ लगा सकते हैं। तो आप लोगों की इच्छा पर हमने सोचा है कि क्यों ना हम लोग इस वीडियो में पेड़ लगाना शुरू करें। तो गाइस आज हमने सोचा है पूरे 1, 2, 50, 100 पेड़ नहीं, पूरे 1 लाख पेड़ों को लगाने के लिए। सच में ये बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट को कितना टाइम में पूरा कर पाते हैं। इस प्रोजेक्ट को हमने सोचा है फेजेस में लगाने के लिए, मतलब सिंगल फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, और हर स्टेप के बाद कुछ पर्टिकुलर एरिया में हम कुछ पेड़ लगाएंगे, उसके बाद कुछ नए एरिया में पेड़ लगाएंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं कब तक हम इसे कंप्लीट कर पाते हैं। तो गाइस पहला पेड़ हमने सोचा है नीम का लगाने के लिए, ये रहा नीम का पेड़। और गाइस दूसरा पेड़ जो सेलेक्ट किया हम लोगों ने वो सेलेक्ट किया है आम का पेड़। आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा पेड़ है, और इसी आम के पेड़ के छोटे छोटे सैपलिंग समझिए आम के सैपलिंग्स लेंगे और उसे लगाएंगे हम लोग अलग अलग जगहों पर। तो गाइस इतने सारे पेड़ों को एक साथ इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। कुछ पेड़ों को हमने आंध्र प्रदेश से मंगवाए, कुछ को केरला से मंगवाए, कुछ को यूपी से मंगवाए, और सभी के सभी जगहों से पेड़ों को मंगा करके हमने एक जगह स्टैक किया। इसके बाद सोचा इसको अलग अलग सेक्शंस में जाकर के हम लगाएंगे। गाइस जहाँ मैं खड़ा हूँ ना, मेरे चारों ही तरफ हमने जो अपना सेक्शन 1 बनाया यहाँ पे, इतने सारे पेड़ों को इकट्ठा किए, ये पूरी तरीके से भर चुके हैं। और अब हम लगाने स्टार्ट करने वाले हैं जो जो इच्छा थी हमारी, आम हो गए, आसोपालो हो गया, नीम हो गया। गाइस ये है आसोपालो का पेड़, इसके बाद देखिए यहाँ पे है बांस का पेड़, बांस के पेड़ के पास पास देखिए ये वाले कड़ी पत्ते के पेड़, ये देखिए ये है कड़ी पत्ता। हमारे यहाँ कड़ी बन डालते हैं इसको और कड़ी बनाते हैं इससे, इसके पत्तों से। कड़ी पत्ते के पेड़ का मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हमारे स्पेशल नीम के पेड़। ये बहुत ज़्यादा छाया देते हैं, और सच कहूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है नीम के पेड़, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि जिस जगह पर नीम के पेड़ लगे होते हैं वहाँ का टेम्परेचर 20 डिग्री के आसपास कम हो जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है नीम के पेड़। नीम के पेड़ के बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला पेड़ जो है ना, हमारा बहुत ज़्यादा छाया देते हैं। इसके बाद देखिए ये गूंदा का पेड़, गूंदे के पेड़ के पीछे ये देखिए हमारे आम के पेड़ गिद वाले, देखिए अभी भी सबके सभी जो है ना सैपलिंग्स में ही हैं, मतलब जैसे पॉलिथीन इसका निकालेंगे ना अपने, जहाँ लगाएंगे वहीं प्लांट हो जाएगा। इस पेड़ का नाम आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये पेड़ कौन सा है, इसे भी लगाने वाले हैं अपन। अब पेड़ों को लाने का काम तो हो चला है, अब अगला मेहनत वाला टास्क अपना यही है कि इसे यहाँ से लेके जाके लगाना, वही बहुत बड़ा काम है। अब हो सकता है काफ़ी सारे प्लांट को हम शूट कर पाए दिखाते हुए कि लगते हैं कि नहीं लगते हैं, और काफ़ी सारे पेड़ जो लगाएंगे उसे शूट नहीं हो पाए, क्योंकि अलग अलग लोकेशन सोचा हम लोगों ने लगाएंगे। कुछ पेड़ों को एक पर्टिकुलर लोकेशन भेजेंगे, कुछ को अलग लोकेशन पर। गाइस देखिए ये जो पेड़ है ना, ये काफ़ी ज़्यादा छाया देते हैं और बहुत ज़्यादा शो, मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है पेड़। ये देखिए ये वाले पेड़ जो है, इसके पत्ते काफ़ी ज़्यादा लाल होते हैं, और ये वाला जो है गूंदे का पेड़, इसे भी देख लीजिए, हमारे यहाँ इसे गूंदे का पेड़ बोलते हैं, काफ़ी कम पेड़ बचे हैं गूंदे के। और इसे लगाने के बाद देखिए काफ़ी ज़्यादा पेड़ हो जाएंगे, जहाँ ये लगता है उसके आसपास गूंदे के पेड़ अपने आप होने स्टार्ट हो जाते हैं। इनको क्या ट्रांसपोर्ट करना काफ़ी मुश्किल काम है, काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं ये, अब इन्हें ट्रांसपोर्ट करके लेके चलना है। गाइस आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे आम के पेड़, और आम के पेड़ सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, मुझे आम के पेड़ बहुत ज़्यादा पसंद है, इन्हें लगाते हैं और देखते हैं। इसके नीचे देखिए ये आसोपालो, आसोपालो के पेड़ बहुत अच्छे होते हैं, एक बार आसोपालो लगा देना उसके बाद आसोपालो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। गाइस देखिए लाइन से सभी के सभी आम के ही पेड़ हैं, आम के ही सैपलिंग्स है, और आम के पीछे जो है छोटे वाले वो हैं आसोपालो के पेड़, और लाइन से आम के पेड़ों को लगाने का प्रोग्राम बनाया हम लोगों ने। और ये देखिए आम के बाद आपको दिखेंगे ये छोटे छोटे अमरूद के पेड़, ये बहुत सारे अमरूद के पेड़ हैं, देखिए मैं आपको लेकर दिखाता हूँ। ये रहा एक सैंपल हमारे अमरूद का पेड़ का, देखिए कितना विशाल का है ना, बहुत खूबसूरत सा है, रेडी हो चला है हमारा अमरूद का पेड़। और सच बता दूँ आपको, मुझे अमरूद बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं आपको और एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ, देखिए ये जो अमरूद है ना, ये कटिंग से उगाए गए हैं, और देखिए इसके अंदर अभी से देखिए अमरूद आना स्टार्ट हो चला है, कितनी कमाल की बात है ना। अभी भी ये जो पौधे हैं ना, ये सिर्फ देखिए सैपलिंग के अंदर, देखिए पॉलिथीन निकालेंगे इसे जहाँ प्लांट करेंगे लग जाएगा, बट इसके अंदर अभी अमरूद आ रहे हैं, छोटे छोटे देखिए कलियाँ भी आ रही है इसके अंदर अमरूद वाली, बट इसे भी निकाल देना चाहिए, क्योंकि एक दो ही स्टेज पर है ना, एक दो नहीं हो पाता है फुल्ली, एक बार ये मिट्टी के अंदर लग जाए साल 1.5 साल बाद ये अमरूद देते हैं। ये देखिए कितने कमाल के अमरूद लग रहे हैं ना, इससे भी अमरूद आ रहे हैं छोटे छोटे।
मुझे अमरूद बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे आम भी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए अमरूद और आम के हमने खास सैपलिंग्स को मंगाया है। ये कटिंग वाला हमारा अमरूद, देखिए इसके अंदर अभी से फल आने स्टार्ट हो चले हैं। बस स्टार्टिंग से जो हम फलों को निकाल दें ताकि ग्रोथ जो है ना वो रुक ना पाए। कमाल का कटिंग है ना अमरूद का, अभी से इसके अंदर फल आने स्टार्ट हो चले हैं। देखिए देखिए कितने सारे प्लांट हैं अमरूद के, हमारे लाइन से अमरूद ही अमरूद है। अब इतने सारे प्लांट्स देखिए, आप देख सकते हैं इनको लगाना है। गाइस बारिश का टाइम आ चुका है और इन्हीं 4 महीने में हमें सभी सभी पेड़ों को लगाना है। अमरूद का पेड़ यहाँ पे, पीछे आम के, उसके पीछे नीम है, और सभी के सभी पेड़ों को जो है ना हमें लगाना है इसी बारिश के टाइम में। गाइस देखिए मेरे चारों ही तरफ जो है ना सिर्फ और सिर्फ आम के ही पेड़ हैं, और इन्हीं आम के पेड़ों को हमने सेलेक्ट किया है। सभी के सभी आम के पेड़ आ चुके हैं हमारे। एक को निकालता हूँ आप लोगों के लिए, देखिए ये हैं हमारे आम के पेड़, बहुत खूबसूरत से आम के पेड़ हमारे। कुछ बड़े वाले आम के पेड़ जो मुझसे भी ऊँचे, 6 फुट से ज़्यादा ऊँचे हैं आम के पेड़। छोटे वाले अमरूद हमारे, इस साइड भी आम ही आम है हमारे। तो गई चल शाम हो चली थी और मैंने सोचा क्यों ना शाम हो चलिए तो चाय पिया जाए, इसलिए चाय पीने बैठे अपने। बहुत ही कमाल की चाय कुल्हड़ वाली। हुआ क्या था, काम करते करते अचानक से अपने बहुत देर से काम कर ही रहे थे, हमने सोचा क्यों ना चाय देख लिया, चाय वाय पिया जाए, चाय पीते हैं इसके बाद। बहुत ज़्यादा मज़ेदार चाय है कुल्हड़ वाली। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं हमने पेड़ों को लगाना स्टार्ट कर दिया है, इस बैच को हमने देखिए लगा दिया है, और ऐसे ही एक एक करके हम लोगों ने नेक्स्ट बैचेस को लगाते हुए देखिए यहाँ पे लगा रहे हैं और काम चालू है अपना। लगभग उम्मीद है आज रात में पूरा ख़त्म कर लेंगे इस सेक्शन को। इन सैपलिंग्स को अपन ने सोचा है कि लगाएंगे, पीछे जो ग्राउंड है ना एक लाइन से हम ला चुके हैं कुछ पेड़ों को यहाँ पे। तो गाइस यार ये जो है ना ये है जामुन का पेड़, आप लोग देख सकते हैं गड्ढा हमने कर दिया है, अभी से निकाल लेते हैं जामुन के पेड़ को। देखिए हमने इसे लगा दिया, और जब ये बड़ा हो जाएगा ना तो ये हमें ढेर सारे जामुन देगा। लग रहा है ना कितना कमाल खूबसूरत सा। इन पेड़ों को पता है काफ़ी सारे पेड़ जो हमारी दूसरी टीमें लगा रही हैं उनके अंदर से मैंने हर पेड़ को स्पेसिफिक मंगाया ताकि आप लोगों को दिखा सके, इसे हम अपने ग्राउंड में लगा दें। गाइस देखिए ये वाला है नीम का पेड़, इसे भी हमने रेडी कर दिया, और एक बार नीम लगा देंगे ना तो जब बड़ा हो जाएगा ना तो ये बहुत ज़्यादा शेड देगा। कि वहाँ जामुन लगाए हैं हम लोगों ने, यहाँ पर नीम लगाए हैं, और जब ये बड़े हो जाएंगे ना तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। इसके बाद तीसरे पेड़ के सैंपल को हमने मंगाया आसोपालव को, आसोपालव भी बहुत ही कमाल का पेड़ होता है। आसोपालव को हमने लगा दिए हैं। आसोपालव के पास हम लोग और एक आसोपालव लगा दें। जितने भी ब्लैक पॉलीथीन्स हैं ना हम इनको उठा के लास्ट में डिस्पोज कर देंगे, क्योंकि प्लास्टिक इज़ बैड फॉर नेचर एंड एनवायरनमेंट। गाइस आसोपालव के बाद हम लगा दें पीपल का पेड़, पीपल का पेड़ हमने स्टैक कर दिया है। गाइस चिंता की बात नहीं है, सभी सभी पेड़ जो है ना बरसात का मौसम है आसानी से लग जाएंगे।
एक बार ये लग गए मिट्टी के अंदर, इसके बाद बारिश होता रहता है लगातार, बारिश अपना काम कर देगी, हमें कोई खास चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए पीपल है, इसके बाद आसोपालो है, उसके बाद नीम का पेड़ है, और लास्ट में हमने लगा जामुन का पेड़। गाइस इन पेड़ों को स्पेसिफिकली हमने अपने फार्म हाउस पे लगाए हैं, और ये जो पेड़ लगने के बाद ना जैसे ही बरसात का सीजन ख़त्म होता है बड़े हो जाते हैं, जामुन बहुत ज़्यादा जामुन देता है हमें, नीम बहुत अच्छा शेड देता है हमें। गाइस हमने जो सोचा था ना कि लगभग 2 महीने के आसपास 1 लाख पेड़ों को लगाने हम लोग कामयाब हो जाएंगे, वो हो नहीं पाया सक्सेसफुली। 2 महीने के आसपास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ 50 पेड़ों के आसपास ही लगा पाए। हमने 2 सेक्शंस में डिवाइड किया टीम को, सेक्शन ए सेक्शन बी। एक सेक्शन में हमने कुछ पेड़ मंगाए, सेक्शन बी में कुछ पेड़ मंगवाए, और वहीं से हम ट्रैक्टर्स की हेल्प से दोस्त दोस्त टीमों को भेज करके पेड़ों को लगाते थे। लेकिन 2 महीना बीत जाने के बाद समझिए तो समर एंड और जो अपना बरसात शुरू हो रहा था ना, वह उस टाइम से हम लोगों ने काम करना शुरू किया, बट हम लोग 2 महीने के आसपास में जो 1 लाख का टारगेट अचीव नहीं कर पाया। आने वाले मंथ्स में जो जुलाई अगस्त सितंबर का एंड, इसमें सोचा हम लोगों ने हर 3 दिन में हम लोग टीम को लेकर निकलेंगे, और जो बाकी बचे हुए पेड़ हैं इनको उठा करके इनके प्रॉपर लोकेशंस में जा करके प्लांट करेंगे इन्हें। जो समझिए तो क्या धीमे धीमे बल्कअप हो गए हैं कि 2 महीने में जो काम करना था वो काम हो नहीं पाया। थोड़ा सा क्या था कि टीम कम पड़ रही थी, और टीम जो थी मतलब समझिए कि कुछ लोकेशन हम जाते थे वहाँ बरसात पड़ जाती थी, तो शाम को 1000 का टारगेट है हमारा 500 400 300 ही लग पाते थे। बट हमने कोशिश पूरी की अपने साइड से, कोशिश में कोई भी समझिए तो 1% कमी नहीं की है। तकलीफ होती है, यहाँ तकलीफ हुई मुझे जब एहसास हुआ कि 2 महीना का टारगेट था और अचीव नहीं हो पाया। अब समझिए मज़ा नहीं आता है सोच के ये फीलिंग, बट हमने सोचा बाकी और भी वीडियोज जो पेंडिंग में जा रही हैं उन पर भी ध्यान दिया जाए, और ये वाला जो पूरा पूरा बाकी का बचा हुआ काम है ना उसे जल्दी से जल्दी 2 महीने के अंदर रैपअप किया जाए। अपने पूरी टीम को एक सिंगल शॉट में लेकर के समझिए जिस दिन हम निकलते हैं हर 3 दिन में इन ए वीक डे, उस दिन निकल करके इस काम को ख़त्म कर सके जल्दी से जल्दी। हमारा जो इनिशिएटिव था ना वो ये था कि हम जैसे एक पेड़ लगाते हैं ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को कम करने के लिए, 2 पेड़ लगा दें, 5 लगा दें, आप भी अपने लेवल पर जहाँ रहते हो जिस लेवल में रहते हो 1, 2, 5 पेड़ लगा सकते हैं, उससे क्या होगा तापमान जो है ग्लोबली कम होगा, और ऐसा करने की वजह से समाज में कितना पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा कि हर कोई पेड़ लगाएगा तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले नुकसान जो है वो कम से कम हो पाएंगे हमारे लेवल पर और आपके लेवल पर। हमारा जो वातावरण है हमारा और आपका ही है, किसी और का नहीं है। तो हमने सोचा है क्यों ना जैसे हमने पेड़ों को लाना स्टार्ट किया आप भी स्टार्ट करें। एक छोटी सी इनिशिएटिव थी हमारे साइड से, आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।